गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे लेसन 17। आपकी पोएम है रेन इन समर। रेन बारिश, इन समर गर्मियों में, गर्मी में बारिश। ये जो पोएम है, इनके जो पोएट हैं वो हैं एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो। इनका जो फुल नेम है हेनरी वैट्सवर्थ लॉन्ग फेलो। इनको भी बारिश बहुत पसंद थी और इन्होंने इसलिए ये पोएम लिखी। पढ़ेंगे वन वन स्टैंजा करके। हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन। हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट। डस्ट एंड हीट, धूल और गर्मी के बाद बारिश कितनी खूबसूरत लगती है, कितनी सुंदर लगती है। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन। ब्रॉड होता है चौड़ी, फायरी होता है गर्म, आग की तरह गर्म। स्ट्रीट गलियां, जब हम जाते हैं गर्मियों में बाहर तो बहुत आग की तरह हमें गर्मी लगती है। इन द नैरो लेन, नैरो होता है संकरी, तो चौड़ी और संकरी गलियों में, आग की तरह गर्म गलियों में। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, जब बारिश आती है तो कितनी खूबसूरत लगती है। नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स। हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, बारिश कितनी सुंदर लगती है। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ, क्लैटर्स होता है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों की आवाज़। रूफ्स यानी कि छत, जब छत पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं, छत पर या फिर किसी शेड पर जो हमारे लगे हुए होते हैं उन पर, शेड पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, जब वो आवाज़ करती हैं, तो वो ऐसा लगता है मानो कि हूफ्स होता है खुर, यानी कि जो घोड़े होते हैं, हॉर्सेज होते हैं, उनके जो पैरों के नीचे जो खुर लगे होता है, खुर, जब वो चलते हैं उनकी आवाज़ आती है। तो छत पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो इस तरह से लगती हैं, इस तरह सा लगता है जैसे कोई जानवर छत पर चल रहे हैं। हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। स्पाउट होता है पाइप, तो जब ऊपर से जब पानी पाइप में से निकलता है तो पाइप बहुत पतली होती है, तो पाइप को हम यहाँ पर थ्रोट यानी कि गले बताया गया है, गले के रूप में बताया गया है। तो जब पाइप में से पानी जब वो छत पर इकट्ठा होता है तो हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट। गशेज होता है फास्ट फ्लो से, बहुत तेज़ धारा से संघर्ष करता हुआ पाइप से, उसके गले से वो बहता है, निकलता है। अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद द मडी टाइड। विंडो पेन, पेन होता है शीशा, तो जब बारिश की बूंदें विंडो पर, खिड़की के शीशे पर पड़ती हैं, इट पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद द मडी टाइड, तो वो किस तरह से स्विफ्ट एंड वाइड, वो चौड़ी हो जाती हैं। तो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, जब शीशे पर वो आकर गिरती हैं, तो वो कैसे वो फैल जाती हैं और चौड़ी हो जाती हैं। और जब वो मडी टाइड अपने साथ, वो जब मिट्टी उनके साथ आती है तो वो मिट्टी के साथ वो उसके ऊपर रह जाती है। लाइक अ रिवर डाउन विद द गटर रोर्स, लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स द रेन द वेलकम रेन। तो जब रिवर्स जो होती हैं वो गटर रोर्स, गटर्स भी होते हैं, रिवर भी बहने लग जाती हैं बहुत ज़्यादा जब उनमें पानी हो जाता है, और गटर में भी जब पानी ओवरफ्लो कर जाता है तो वो गुर्राने लग जाता है, रोर एक जैसे दहाड़ने लग जाता है, उसका पानी जो है वो ओवरफ्लो होता है तो वो बाहर निकलने लग जाता है। द रेन द वेलकम रेन, तो जब बारिश आती है तो बारिश का हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब गर्मियों में बारिश आती है तो हमें बहुत ही सुंदर लगती है, और जो गर्मी होती है उससे हम सबों को राहत मिलती है। ओके, थैंक यू।